गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस विटामिन ई कैप्सूल्स के बारे में, जो कि हमारे स्किन, हेयर्स, बॉडी, नेल्स, ओवरऑल मतलब ये मान सकते हो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज इस वीडियो में ये विटामिन ई आज इस वीडियो का हीरो है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो की टिल एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। गाइज जो विटामिन ई होता है, इसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रहने में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी बनी रहती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे हेल्थी रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्थी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जब होती है ना, तो हमारे बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, जो भी वायरस जब आने वाले होते हैं तो वो उसको किल कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी जल्दी से बीमार नहीं पड़ती है। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि हमें बीमार नहीं होने देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए कहते हैं ना कि इसलिए जब कोरोना हुआ था तब बहुत से लोगों को ये बोला गया था कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, तभी आप कोरोना से बच सकते हो। तो ये वाला ऐसा काम होता है। प्लस जो विटामिन ई का काम होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं इनको रीजनरेट करने का भी काम विटामिन ई का ही होता है। तो मतलब विटामिन ई ओवरऑल में बात करूं तो मतलब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये बात नहीं करी कि विटामिन ई ही हमारी हेल्थी रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली क्या, हमारी बॉडी के लिए हर न्यूट्रिशंस उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि विटामिन ई। तो लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ विटामिन ई की बात होगी, तो आज हम विटामिन ई के मतलब अलावा और किसी विटामिन के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको जैसे वीडियो के पहले बताया था कि आज की वीडियो का जो मेन हीरो वो विटामिन ई है, तो आज सिर्फ विटामिन ई के बारे में ही आज हम बात करेंगे। इस आपको पता चल गया होगा कि विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो विटामिन ई का जो एप्लीकेशन अगर इस कैप्सूल्स का आप करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डाइट ले तो विटामिन ई की, तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सही है आपकी बॉडी के लिए अगर विटामिन ई की डाइट लेते हो। लेकिन बाहर से अगर इस कैप्सूल्स का यूज करते हो, इस कैप्सूल में विटामिन ई ही पाया जाता है और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ विटामिन ई के कैप्सूल्स है ये। इसका नाम है एव्यून कैप्सूल्स, विटामिन ई कैप्सूल्स यूएसपी 400 mg। ये 400 mg का है, प्लस किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और आप इसको फेस पे आराम से लगा सकते हो, एक स्टिकी हो जाएगा, बाकी फिर भी आप अपने फेस के हिसाब से देख लीजिएगा। ज्यादा ड्राई अगर आपका फेस होगा तो उसको ज्यादा मॉइस्चर लगेगा, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना है। लेकिन जिनका फेस ज्यादा ऑयली है वो तो इसको ज्यादा ना लगाइए, मतलब हाफ लगाइएगा, हाफ एलोवेरा के साथ इसको लगाइएगा। बिकॉज आपके ज्यादा मॉइस्चर लगाने से क्या होता है ना कि आपका फेस के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने का खतरा होता है। तो हमें कभी भी अपने फेस से मॉइस्चराइजर उतना ही लगाना चाहिए जिससे कि हमें मतलब ऐसा फील हो कि ना ज्यादा ड्राइनेस लग रहा है और ना ही ज्यादा मतलब ऑयली ऑयली लग रहा है। मतलब मीडियम में रहना है, ना कम में जाना है और ना ही ज्यादा में जाना है। इससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने का खतरा नहीं रहता है। कहीं आप बिल्कुल मतलब इतना मॉइस्चराइजर भर भर के लगा रहे हो तो वो बहुत ही चपचप सा लगता है और हमारे पोर्स जो होते हैं ना वो क्लॉग होने का खतरा होता है। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। गाइस अगर आपके सनबर्न हो गया हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम हो, तो आप ये कैप्सूल्स यूज कर सकते हो। और इफ जैसे कि आपके लिप डार्क हो गए हैं वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो, आईज डार्क सर्कल पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपके आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल हो गया तो आप उसे वहां यूज कर सकते हो। हेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हेयर्स पे आप इसे ऑयल के साथ मिक्स करके अपने अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हो। और नेल्स पे आप इसे यूज कर सकते हो, एक एक फ्यू ड्रॉप्स ही हो गई, फिर इसे अच्छे से मसाज कर दिया, आप इसे वहां यूज कर सकते हो। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी पे एज अ मॉइस्चराइजर लगाने के लिए आपको एलोवेरा जेल के साथ इसे मिक्स करके लगाना है। इससे आपको अच्छा खासा मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा, प्लस जो क्या होगा ना मतलब रिंकल्स वगैरह के हो जाते हैं चांसेस सर्दियों में आपकी, जो ये सर्दियों में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मतलब स्किन ना बहुत ही लूसी हो जाती है, ऐसा लगता है बुड्ढों की स्किन है। तो वहां पे आप इसे अगर यूज करते हो ना तो मतलब स्किन पे एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगेगा, प्लस आपका जो कोलाजिन का लेवल अच्छे से बूस्ट होगा। अगर आपको अपने स्किन पे एंटी एजिंग के साइन नहीं चाहिए तो आप इसको आज से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो इसे काफी टाइम से यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। प्लस इसकी कॉस्ट इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और एलोवेरा की बात है तो एलोवेरा का प्लांट आप लेकर आ जाइए, अपने गमले में उगा दीजिए, तो वो एक अच्छा मॉइस्चराइजर होगा। क्योंकि जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्लस कोई बाहर से कोई मॉइस्चराइजर लेने की नीड नहीं है, ये दोनों बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करेंगे। तो गाइज अगर आप यहां तक आ गए तो थैंक यू मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्लस इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज।